आज हमारे भाई मिले हैं जिन्होंने जो मतलब वॉइस आर्टिस्ट हैं, और जैसे कि छुटकी जी ने हमारी छोटा भीम की वॉइस आर्टिस्ट से जो वॉइस देती है अपना, आज हमारे भाई सुनाएंगे उसकी वॉइस। एक छोटा भीम का डालो। क्या हो गया है, लगता है आज मेरी गाड़ी नहीं निकलेगी। बिना समोसे के तो मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी, मेरा तो पेट खराब हो गया है। मैं सोच रहा हूँ मैं गाड़ी कहाँ से निकालूं। मैं ढोलकपुर से आया हूँ, मुझे ढोलकपुर के समोसे बहुत अच्छे लगते हैं। तो राइट नाउ गाइस, हम होटल में, और ये मेरा टॉप बॉक्स और वो अपना रूम है, और ये होटल कुछ इस तरीके से, डॉल्फिन नाम है इसका होटल का। 300, ये कामिल भाई हमारे, 308 रूम। हेलो। ये इस तरीके का कुछ रूम है, बहुत अच्छा इंटीरियर है। तो लगेज के लिए वेट कर रहे हैं। कामिल भाई कुछ रह तो नहीं गया? कुछ नहीं है, आ जाओ कामिल भाई, पकड़ भाई, ले आए सब कुछ, ले आए अपना, आओ। और इसमें कौन? 0। तो ये है होटल डॉल्फिन, लिफ्ट आ गई है। कामिल भाई हाथ लगवाइए। और ओफो, बहुत तेज धूप निकली है, भाप रे बहुत। तो भाई हमारे अतीक भाई की जो है यहाँ पे, अभी ये देखो भाई, मतलब सारा सामान हम लेके चले हैं गाइस, और लूप डाल रहे हैं गाइस, क्योंकि सफ़र लंबा है तो ये सारी चीज़ें गाइस होनी चाहिए हमारी गाड़ी में, और लूप डाल दिया हमने। सो गाइज, हम चेकआउट कर चुके हैं अपने होटल से, होटल डॉल्फिन से, और हम निकल रहे हैं यहाँ से अब आगे की तरफ, पटनी टॉप। जो हमारा मेन वो होगा वो हम आगे पटनी टॉप कहेंगे, उसके आगे फिर देखते हैं कि हम वहाँ से किधर की साइड, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है श्रीनगर हमारा पहुँचना है हमें, तो हम पटनी टॉप वाले रास्ते से जा रहे हैं। और हमें न्यूज़ जो मिली है वो मिली है कि पटनी टॉप खुल चुका है पूरा प्रॉपर, तो आप लोगों को फिर हम व्यूज़ और सारी चीज़ें जो हैं वो दिखाते हैं गाइज, है ना। बाइक्स और सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं और वी आर गुड टू गो। सो गाइस चेक करो फिर आप। सो भाइयों, इतनी देर मुशक्कतों के बाद अभी बात हुई है सबसे, तो उन्होंने ये कहा पटनी टॉप जाओ गाइस शायद, और पटनी टॉप के बाद वहाँ से फिर देखते, क्योंकि एक रूट है हमारा किश्तवाड़ वाला, बट जो किश्तवाड़ वाला रोड है गाइस वो खतरों से खेलने वाला है। यहाँ से किश्तवाड़ होते हुए 360 दिखा रहा है किश्तवाड़ यहाँ से, तो इस वजह से जो हम ले रहे हैं रोड वो यही वाला रोड ले रहे हैं, पटनी टॉप वाला गाइस, और हम यहीं से निकलते हैं आगे। एंड विल अपडेट यू सून इन अ मोमेंट गाइस। बाकी वेदर चेक करो और सामने के पहाड़ चेक करो, और पट्टी टॉप का जो मौसम है वो हमने सुना है बहुत बेहतरीन है, बहुत बढ़िया मौसम है, तो देखते हैं फिर, है ना। सो सी यू गाइस देन, और नज़ारे लो, मौज लो, ये देखिए वाह क्या बात है। लेकिन गर्मी आज बहुत हो रही है हिमाचल में। मैं अभी की अगर आपको कंडीशन बताऊँ तो हिमाचल की कंडीशन बहुत ख़राब है। ख़राब ये है कि वहाँ बाढ़ आ गई है और लैंडस्लाइड्स हो गई हैं, एवलांचेस भी आए हैं, तो वो थोड़ा डेंजर है एरिया। इधर कश्मीर तो सब क्लियर है मुझे लगता है, और आई होप कि सब ठीक ही हो। भाई गाड़ी की वीडियो बनाना एक, तो हमारे राइडर्स जा रहे हैं, फ्रेम सीधा करो ना भैया। ये हाईवे मतलब काफ़ी बढ़िया बना हुआ है ये, और बहुत ही अच्छा व्यू है इधर, देख सकते हैं आप कितना प्यारा व्यू आ रहा है इधर, और ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। तो जुलाई के मंथ में अगर मैं रिकमेंड करूं, ग्रीनरी लवर है कोई तो परफेक्ट है, क्योंकि सितंबर में तो ये सब गड़बड़ हो जाती है, तो ग्रीनरी के बारे में मैं बहुत रिकमेंड करूँगा कि बहुत ही ज़बरदस्त वो आ रहा है व्यू। Thank you.
सो फाइनली गाइस हम पट्टी टॉप पहुंच चुके हैं और आगे कब देखते हैं, अगर आगे रोड खुला रहेगा। अभी जैसे हमें कंफर्मेशन मिली आगे से कि आगे से रोड ओपन होने वाले हैं, तो प्रॉबेबली थोड़ी देर में रोड ओपन हो जाएंगे तो हम आगे श्रीनगर की चढ़ान शुरू कर देंगे फिर, और देखते हैं अभी क्या होता है। रोड तो अभी तक हमें सोफार अच्छे मिले हैं, बस हमें एक जगह ही नाके पे रोक के पूछा गया था, उसके आगे तो कोई इशू नहीं है। बाइक वालों के लिए फिर भी जाने दे रहे हैं उन्हें भी, और रिस्ट्रिक्शन तो सबके लिए है क्योंकि सेफ्टी सबका पहली प्रायोरिटी जो है सबकी सेफ्टी है, तो इसी वजह से बाकी हम पट्टी टॉप पहुँच चुके हैं गाइस, और लेट्स सी आगे का देखते हैं क्या होता है, बाकी चेक करो आप जब तक। माशाल्लाह सारे भाई मिल गए थे, पहले इन्होंने बिरयानी की शॉप बताई है हमें, हम पहले बिरयानी खाएंगे वहाँ से फिर निकलेंगे। अबे चला लियो भी बहुत। तो गाइस ये हमने क्रिस्टवार वाला रोड पकड़ लिया है, सॉरी क्रिस्टवर, और यहाँ पे हम ढूंढना है बिरयानी की दुकान। कर दी थी बिरयानी, आ गई है, सारे भाई हैं माशाल्लाह मौज लेते हुए, टूट चुके हैं बिरयानी पे। फर्स्ट टनल आ चुकी है, दिस इज द फर्स्ट टनल ऑन श्रीनगर हाईवे, और जिसमें हमने एंटर वाया पट्टी टॉप, उसमें हमने एंटर कर दिया। ओए एक्सीडेंट फाइनली वी आर हेयर, हम पहुंच चुके हैं रामबन, जहां पे हमारा ये आगे का लैंडस्लाइड हुई थी, और हमारे कुछ भाई हमें यहां पे मिले हैं जो हमें आगरा से आए हुए हैं, और ये चार दिन से यहीं हैं, और प्लस ये 8-10 बंदे हैं, और जो 3 दिन से है वो ये समझ लो ये रोडों पे स्टे करना पड़ रहा है, ये होटल देखो, मतलब सर्वाइव कर रहे हैं ऑन द वे सर्वाइव करने का मतलब ये एक तरह से रोड पर हो गया, क्योंकि अगर किसी के डेस्टिनेशन ना हो और उसे वहाँ पहुँचना हो, कि जैसे इनका प्लान था कश्मीर पहुँचने का, कश्मीर नहीं पहुँच पाई, ऑन द वे रुके हैं, तो मतलब बहुत डिफ़िकल्टीज आ रही है, आप देख सकते हो सिचुएशन गाइस, और यही सिचुएशन शायद हमारी भी होने वाली है, अगर ये रोड नहीं खुलेगा तो हमारे साथ भी यही परेशानी और यही डिफ़िकल्टीज आएंगी। लेट्स सी आई होप क्या होता है, होपफुली अगर ये खुल जाएगा शाम तक तो फिर हम आगे की तरफ प्रोसेस करेंगे। सो भाइयों खाना तो आपने बहुत खाया होगा, बगर जो ये रामबाण में जो ये होटल है ना यही है, अच्छा मिलेगा मेन यही है। ये देखो भाइयों चेक करो यार,
चावल और राजमा मतलब इतने बेहतरीन है, बढ़िया है। अब हमारा वेट हो रहा कामिल भाई का। कामिल भाई भी आज हमारे भाई मिले हैं जिन्होंने जो मतलब वॉइस आर्टिस्ट हैं, और जैसे कि छुटकी जी ने हमारी छोटा भीम की वॉइस आर्टिस्ट से जो वॉइस देती है अपना, आज हमारे भाई सुनाएंगे उसकी वॉइस। एक छोटा भीम का डायलॉग। क्या हो गया है, लगता है आज मेरी गाड़ी नहीं निकलेगी, बिना समोसे के तो मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी, मेरा तो पेट खराब हो गया है, मैं सोच रहा हूँ मैं गाड़ी कहाँ से निकालूं। मैं ढोलकपुर से आया हूँ, मुझे ढोलकपुर के समोसे बहुत अच्छे लगते हैं, लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। जान बनेगा डॉन, ये एक दिन सबको याद आएगा। अरे क्या बात है, थैंक यू। तो भाइयों को लाइक करो और कमेंट करो, भाइयों को चैनल सब्सक्राइब करो गाइस, और मेरे भाई को भी सपोर्ट करो। तो भाई सारे भाई लोग बैठे हुए थे ऐसे ही, मजाक मस्ती चल रही है। 2 किलो रसगुल्ले ऑर्डर कर दिए हमने यहाँ से, अब सारे भाई यहाँ से 2 किलो रसगुल्ले खाएंगे बैठ के आराम से, मौज लेते हुए। सारे भाई बैठे चिल मारते हुए, सबने कहा है आधा आधा किलो खाएंगे। 8 बंदे, 2 किलो भी लगाए, 2 किलो फिर लगवाएंगे, 4 किलो का टारगेट है हमारा। तो भाई उसके बाद फिर 2-2 गिलास हम पियेंगे यहाँ पे चाय, कड़क और मीठी। लग गए हमारे 2 किलो रसगुल्ले, तो खा के बता।